You okay? Sorry. Sorry. You want something? Ma! I want my mom! Yes, ma'am. Can you get this gentleman his ma? Excuse me? Mom? Kabir. Kia. माँ टेक ओवर लैंडिंग मेरा हाथ कस के पकड़ती थी, जैसे उन्हें फ्लाइट से बहुत डर लगता था। लगता था? हाँ, 10 साल हो गए, आज उनका बर्थडे, दैट्स व्हाई समथिंग हैपेंड, समथिंग फ्लैश्ड, समथिंग क्रैश्ड, और आपको एक गिफ्ट मिल गया। कैसा गिफ्ट? एक लड़की को एक लड़के को लाइव रोते हुए देखने का सुनहरा मौका। तुम खुश हो ना? तुम्हारी मॉम पैदा हुई थी, फिर उनके जन्मदिन पे रो क्यों रहे हो? सेलिब्रेट ना। हैप्पी बर्थडे आंट। डैड है ना? या दुखे क्यों है? He's okay. Just मम्मी का पुत्र। मामा's boy does not like his daddy. ऐसा नहीं है, मुश्किल है। मिस्टर बंसल को लाइक करना थोड़ा मुश्किल है। My dad is कुमार बंसल। बंसल, the builder. I'm already liking him. तू तो आदि दिल्ली के मालिक का बेटा है। सबसे एक्सपेंसिव स्कॉच, डबल ऑन द रॉक्स प्लीज। लो कॉस्ट एयरलाइंस की यही प्रॉब्लम होती है, अमीर गरीब पता ही नहीं चलता, सबको इकोनॉमी में बैठना पड़ता है ना। सो मिस्टर कबीर बंसल, आप चंडीगढ़ खरीदने गए? नहीं, दोस्त का ब्रेकअप हुआ था, मॉरल सपोर्ट मिलेगा। चीयर्स, तेरे दोस्त के आजाद होने की खुशी। सो डैड के साथ पंगा चल रहा है, तुम उनके बिजनेस को अपने नए आइडिया से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और वो मान नहीं रहे, करेक्ट? He wants to show you he's still the boss. बड़े बिजनेस फैमिलीज का यूजुअल प्रॉब्लम, पहले तो बिजनेस टेक ओवर करने के लिए बेटा पालते, जब बेटा रेडी हो जाता है टेक ओवर के लिए तब बाप रेडी नहीं है हैंड ओवर के लिए। बाप बेटे का यूजुअल फ्रिक्शन। आई टोटली गेट इट। मुझे मेरे बाप के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। व्हाट? और इससे पहले कि तुम एक और डबल ऑन द रॉक्स ऑर्डर करो, मैं एक बहुत बड़ा सच तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या? मैं तुम्हारा ये एक्सपेंसिव स्कॉच बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कुमार बंसल का सौतेला बेटा है? नहीं, इकलौता, वन एंड ओनली। बट अगर डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या पैसों में इंटरेस्ट दिखाना नॉट कूल? तो फिर तुम करते क्या हो? क्यों, कुछ करना जरूरी है? हाँ, ऑफ कोर्स, तुझे कुछ करने की जरूरत क्या है? बाप के पैसे में इंटरेस्ट हो या ना हो, उनके जाने के बाद तो सब कुछ तुझे ही मिलेगा ना। तू क्या करती है? आई वर्क एट मैरिको। करती क्या है वो? आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद 1.5-2 साल में आई विल बी वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आई विल बी सीईओ। वाह, ऐसी क्लैरिटी हो ना तो हर सपना पूरा होता है। लाइफ में ड्रीम होनी चाहिए। करेक्ट। या फिर ऑफ कोर्स डैड होना चाहिए। Yes, I have a dad. But even I have a dream. Don't tell me. Okay, won't tell you. Okay, tell. Because actually, I really want to know कि जिसके पास सब कुछ है, उसका सपना क्या होता होगा? Tell. I want to be like my mom. Excuse me. मैं अपनी माँ जैसा बनना चाहता हूँ। फोन
Where's my phone? अपना नंबर बताओ. 9619539679. Thank you. दारू से नहीं, क्यूरियोसिटी से एसिडिटी बढ़ रही. Housewives दुनिया के सबसे बड़ी आर्टिस्ट होती है, इसमें क्यूरियस होने की क्या बात? उस बात पे नहीं. आई एम जस्ट क्यूरियस कि एक आईआईएमबी का टॉपर अपने बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी माँ जैसे हाउसवाइफ बनने का सपना क्यों देख रहा है? तुझे कैसे पता मैं आईएमबी से? फेसबुक, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, यू नो. पर मेरा फेसबुक पे तो कब से एक्टिव नहीं. तेरा फोटो मेरे एक फेसबुक फ्रेंड के पेज पे देखा. हु? जी हाँ. धूपिया? धूला क्या, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी. वो वाली फोटोज नहीं देखी. सिर्फ मी एंड माय जीनियस टॉपर फ्रेंड लिखा था फोटो के नीचे. सो आई अज्यूम कि दोनों बैचमेट्स हैं. बट आई एम क्यूरियस. और क्यूरियोसिटी की वजह से और एसिडिटी होने से पहले खा ले. हाउ डू यू नो आई लाइक दिस पास्ता? तेरे स्पगेटी जैसे घने लंबे बाल, ऑलिव जैसी काली काली, एक्चुअली नॉट सो काली काली आंखें, बेबी कॉर्न जैसी नुकीली नाक, चेरी टमेटो जैसे लाल लाल काल, स्लाइस्ड बेल पेपर से बने होंठ, हैलोपीनो सी तीखी सुबह, चलती फिरती पास्ता डिश, आलू पराठा थोड़ी खाऊंगी. वाह कबीर, मैं तो फ्लैट हो गई. इससे पहले मुझे कभी किसी ने सब्जी की दुकान के जैसे नहीं देखा. तेरे साथ कैसे कोई रोमांटिक हो सकता है? तुझे फास्ट फास्ट आना है, फास्ट फास्ट खाना है, फास्ट फास्ट सुनना है, फास्ट फास्ट समझना है, फास्ट फास्ट आगे बढ़ना है. रोमांस स्लो मोशन में होता है. अब कुछ हुआ? नेहा, बट समथिंग्स फिशी. पास्ता भेज, फिशी कैसे होगा? जब तुझे बिजनेस नहीं करना था तो तूने एमबीए क्यों किया? किसी चीज के खिलाफ होने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. बिजनेस के इतने खिलाफ क्यों है तू? बिजनेस होता क्या है? एक आदमी सपना देखता है, उसे पूरा करने के लिए कंपनी खोलता है, उस कंपनी को चलाने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करता है और उन्हें आगे बढ़ने का सपना दिखाता है. दिन रात काम करते करते आगे बढ़ते बढ़ते लाखों करोड़ों कमाते कमाते अंधे हो जाते हैं. बेचारों को दिखता भी नहीं उनका सपना कब का पूरा हो चुका है. अपनी मेहनत का फल एंजॉय करने के बजाय ज़ॉम्बीज की तरह आगे बढ़ते रहते. Acidity, stress, heart problem. End make, expensive private hospital में admit होके कहते हैं, शुक्र मैं world class medical treatment afford कर सकता हूँ. क्या I'm serious? ये आगे बढ़ने का मंत्र ना सबसे dangerous होता है. किससे आगे बढ़ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? Housewife के sector में ना no आगे बढ़ने की आदत. ये industry में कोई ranking नहीं है. So no insecurity, no acidity, only happiness. श्री श्री संत कबीर, you're full of shit. तेरा मकसद सिर्फ जिंदगी भर मेहनत से बचना है. इतनी बकवास फिलॉसफी ना मैंने आज तक नहीं सुनी. Why? अगर डैडी जैसे कोई आगे बढ़ने का सपना नहीं देखेगा तो तू मम्मी जैसे हाउसवाइफ बन के घर पे कैसे बैठेगी? माँ घर पे बैठती नहीं थी. I'm really sorry, मेरा वो मतलब नहीं था. तो क्या मतलब था? क्या मतलब था? अगर किसी के पास कोई विजिटिंग कार्ड या डेजिग्नेशन नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं. घर बनाना किसी बिजनेस से कम है? इट्स द बिगेस्ट ब्लडी आर्ट इन द वर्ल्ड. खुद के लिए कोई सपना नहीं देखने का आर्ट, दूसरों के लिए खुश रहने का आर्ट, खुशी खुशी अपना नाम सैक्रिफाइस करने का आर्ट. मिसेस बंसल का असली नाम जानती हो? मेरे बड़े बिल्डर बाप की पिलर थी मेरी माँ. सपोर्ट के बिना बिल्डिंग गिर जाती है. अखबार में नाम नहीं छपवाया, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं जमवाए, तो बिना मकसद के घर पे बैठी थी, घर बना रही थी. माई मदर वॉज एन आर्टिस्ट, अ ग्रेट आर्टिस्ट. और हर ग्रेट आर्टिस्ट की तरह वो ज्यादा सेंसिटिव भी थी. जल्दी इसीलिए मर गई क्योंकि एक दिन मेरे बाप ने भी तुम्हारी तरह आके कह दिया, तुम करती क्या हो, घर पे तो बैठी रहती हो. मेरा मकसद मेहनत से बचना नहीं, मेरी मेहनत फालतू मकसद से बच के रहना है. तू सिंगल है? क्यों, मैं डबल लगती हूँ? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? होते रहते हैं पर परमानेंट कोई नहीं.
डर के मारे भाग जाते। पट्टू है गाइस, अपने से ज्यादा एम्बिशियस औरत को झेल नहीं पाते। मतलब तो सिंगल मरेगी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में। पर तू इतना क्यूरियस क्यों हो रहा है? क्यों क्यूरियस होना सिर्फ तेरा कॉपीराइट है। ओके, पेट भर के पूछ। तेरा बर्थडे कब है? 15th अप्रैल। क्या बात करी, मेरा भी 15th अप्रैल। हां फेंक मत। नहीं नहीं ये देख पैन कार्ड। हम पिछड़े हुए जुड़वे तो नहीं? 1988। और तू? मेरे मैनर्स, औरत का जन्म साल कभी नहीं पूछा चाहिए। तूने वो 1983 का वर्ल्ड कप देखा था जब इंडिया जीती थी? नहीं, पैदा नहीं हुई थी। और वो 1987 का वर्ल्ड कप मैंने ऑस्ट्रेलिया वन? नहीं, बहुत छोटी थी। मतलब 84 में? 85। देख तूने खुद बताया, मैंने नहीं पूछा। तुझे बच्चे पसंद है? हाँ, पर दूसरों के। जो बच्चों को देख के तेरे अंदर की माँ की ममता नहीं जागती? इतने सारे बच्चे हैं, क्यों एक और को लाना है इस दुनिया में? क्यों डर है? ये शादी वादी, बच्चा बच्चा, तेरे आगे बढ़ने की उड़ान को आजा कर। शादी का आइडिया अच्छा है। It's nice to have someone. बातें करने के लिए, just एक special दोस्त टाइप से, जिसके साथ कार्डल करके सो जाओ। Your own private happy space. पर औरत के लिए बहुत महंगी पड़ती है यार ये शादी। With no offense to your mom. घर खुश रखने की responsibility औरत पर ही थोपी जाती है। However evolved a man is, a woman's career somewhere gets compromised. शादी is not for me. क्यों? कितनी सारी औरतें इतने अच्छे से मैनेज कर लेती दोनों को। They are super super women यार। तो तू सुपर 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 वुमन नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तू मुझसे शादी कर ले। अच्छा मारना है तो इस गाल पे मार, यहाँ पर डेंटल प्रॉब्लम है। डॉक्टर कह रहे थे विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यू आर टू वाइज। कौन है? फास्ट फास्ट स्लो डाउन। तेरा हाउसवाइफ बनने के लिए मैं ही मिला बकरा। बकरा? तुझे फास्ट फास्ट आगे बढ़ना, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं। तू शादी चाहती है पर घर के झंझट से दूर रहना चाहती है। मैं भी शादी चाहता हूँ पर ये ऑफिस करियर एम्बिशन के झंझट से दूर रहना चाहता हूँ। बर्थडे भी सेम है हमारा। हाँ ठीक है, तुझे 3 साल छोटा हूँ, बिग डील। वी आर 100% मेड फॉर ईच अदर। अनलेस ऑफ कोर्स तू फट्टू है और बिना किसी एम्बिशन के आदमी को झेल नहीं पाएगी। मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करती। तो मैं कौन सा करता हूँ? प्यार नहीं करता तो शादी क्यों करना चाहता है? शादी पहले करनी चाहिए, प्यार पहले कर लेंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे? सांस चढ़ रही है, पसीना छूट रहा है, बॉडी कांप रही है। प्यार नहीं करता, मेरे एक टच से दिल फुल स्पीड धड़क रहा था, बोलती बंद हो गई। ऑफिस बंक करके एक बेमकसद लुक्के के साथ छोले भटूरे खाने आई।